हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप सब की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सेशन में भी हमने जो डिविजिबिलिटी क्वेश्चन लिए हैं वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीयूपीएसआई, सीएचएसएल और एमटीएस, इन परीक्षाओं में जो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आइए डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इन क्वेश्चंस को जब अपन सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, x का मान क्या होगा कि 7 अंकीय संख्या ये 72 से विभाज्य है, तो ये नंबर जो है 72 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 72 से। अच्छा ये बताओ, 72 से कट रहा है तो ये नंबर फिर किस किस से कटेगा? इसके दो अवाची गुणनखंड करो, सह अवाची गुणनखंड करो, 8 9 72। तो जो संख्या 72 से कटती है ना, जो संख्या 72 से कटती है, जो संख्या 72 से कटती है वो 100% 8 और 9 से भी कटती है। क्या? जो संख्या 72 से कटती है वो 100% 8 और 9 दोनों से कटती है। ठीक है, तो ये वाली नंबर जो है ना, ये 72 से डिवाइड हो रही है तो ये 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक है, तो जब ये 8 से भी कट रही, 9 से भी कट रही, तो हम दोनों के डिविजिबिलिटी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे 9 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी? 9 की। ठीक है, तो देखो, नौ की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर संख्याओं के अंकों का जोड़ 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटती है, तो इनको जोड़ दो, 5 और 6 11, 5 16 6 22, 5 27 और 2 29। तो 29 प्लस एक्स और बटी कितना, 9। 9 2 को फिर से जोड़ो तो 2 और 9 11, 11 प्लस एक्स और बटी 9। 1 1 को फिर से जोड़ दो, 1 और 1 2, तो 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि एक अंक ना बन जाए। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे कि ये पूरा नंबर जो है 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू क्या रख दो, 7 रख दो। क्या रख दो? x की वैल्यू 7 रख दो। तो हमने क्या रख दी? x की वैल्यू 7। अब जब हमने x की वैल्यू यहाँ 7 रखी तो क्या ये 8 से कट रहा है? तो भैया 7 5 और 2 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 9 72 बचे 3 8 4 32, तो ये 8 से भी कट रहा है। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x की वैल्यू 7 रखी तो ये नंबर 8 से भी कट रहा है और ये नंबर 9 से भी कट रहा है, तो 8 9 72 से भी कटेगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, x का मान क्या होगा कि 7 अंकीय संख्या 9 1 8 7 6 x 2 72 से विभाज्य है, तो हमने अभी देखा कि जो संख्याएं 72 से कटती हैं वो 8 और 9 से भी कटती हैं, जो संख्याएं 72 से कटती हैं वो 8 और 9 से भी कटती हैं। तो ये नंबर जो है ये 72 से कट रहा है, ये नंबर जो है 72 से कट रहा है, तो ये 8 और 9 से भी कटेगा। तो देखिए, 9 1 9 1 8 7 6 x 2, ये नंबर 9 से भी क्या होगा? कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 9 की डिविजिबिलिटी लगा देंगे। अच्छा, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर संख्याओं का जो योग है या डिजिट सम, संख्या का डिजिट सम 9 से कटेगा तो संख्या पूरी 9 से कटेगी, तो हम संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। तो देखो, 9 कट ही रहा है, 8 और 1 9 हो जाता है, 7 और 2 9, अब बचा 6 और x, तो 6 प्लस x डिवाइडेड बाई 9। अब 6 में कितना जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए?
तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू 3 रख दो। कितनी रख दो? 3 रख दो। तो एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये नंबर जो है 9 से कट जाएगा। तो भैया 9 1 8 7 6 3 और 2। अब ये 9 से कट रहा है तो 8 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर आखिरी की तीन संख्याएं 8 से कटती हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो 632 को हम चेक कर लेते हैं, क्या ये 8 से कट रही है? तो 8 7 56, 88 64, 8 7 56 कितने बजे? 4 3 7, 8 9 72। तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x के स्थान पे 3 रख रहे हैं तो ये संख्या 9 से भी कट रही है और ये संख्या 8 से भी कट रही है। तो इस वैध की गारंटी है कि ये संख्या 72 से भी कटेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, यदि एक 9 अंकीय संख्या, कितने अंक की संख्या है? 9 अंकीय संख्या ये जो है ये किससे कट रही? 72 से कट रही। ठीक है, तो उसने कहा कि अंडर रूट 6x+y का मान बताइए। क्या? अंडर रूट 6x+y का मान बताइए। तो जब हमें 6x+y का मान बताना है तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी और फिर क्या निकालनी होगी? y की वैल्यू। ठीक है, पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी? x की वैल्यू, फिर किसकी वैल्यू? फिर किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन y की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं? y की वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि भैया बिना y के हम जो है, बिना y के हम जो है x नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं किसकी डिविजिबिलिटी? 8 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी? 8 की डिविजिबिलिटी। ठीक है जी, तो 8 से देते हैं भाग। तो 8 9 72, बचे 6। अब 6 के बगल में क्या लिख दें कि कट जाए? तो डेफिनेटली 88 64। तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू 4 रख दो। क्या रख दो? y की वैल्यू क्या रख दो? 4 रख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख देंगे? 4 रख देंगे। कितनी रख देंगे y की वैल्यू भैया? y की वैल्यू हम कितनी रख देंगे? 4 रख देंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू 4 रखेंगे, अब लगाएंगे 9 की डिविजिबिलिटी। देखो 9 9 से कट ही रहा है, 3 6 9 कट ही रहा है, 7 3 10 8 18 कट ही रहा है। अब 8 और 4 12 प्लस एक्स, तो 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना? 9। 1 और 2 3, तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। अब 3 में कितना जोड़ दें कि ये संख्या जो है 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर x के स्थान पे 6 रख दो। 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा। तो भैया हमारे पास क्या आई वैल्यूज? हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। उसने कहा है अंडर रूट के अंदर 6x+7y की वैल्यू बताइए। तो 6 × x की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस बाई 7, बाई की वैल्यू कितनी है? 4। तो 6 × 6 36 और 7 × 28। 28 और 36 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, है ना? 8 6 14 4, हाँ से लिख 3 5 6, तो कितना? √64 कितना होता है? 8 होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, यदि 11 अंकीय संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y 72 से विभाज्य है तो √5x+8y का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये संख्या किससे कट रही? 72 से कट रही। किससे कट रही? 72 से। तो अपन डिविजिबिलिटी लगाएंगे किसकी? 72 की। अब 72 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? कि जो संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे वो 100% 72 से कटेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? 72 की डिविजिबल 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं। तो आप क्या करो, 6 7 और 22 में 8 से 2 भाग। ठीक है, 88 64 कितने बचे? 3। अब 3 के बगल में क्या लिख दें कि 8 से कट जाए? तो आप कहोगे 8 चौके 32। तो बाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई बाई की वैल्यू? बाई की वैल्यू जो है कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे रख दो बाई के स्थान पे कितना? 2। कितना रख दो बाई के स्थान पे? 2 रख दो। ठीक है जी, कितना रख दो बाई के स्थान पे? 2 रख दो आप। ठीक, तो अब बाई के स्थान पे रख देंगे कितना?
दो, ठीक है। अब लगा दो 9 की डिविजिबिलिटी, तो 5, 6, 11, 7, 18, ये तो कट गया है ना, 9 से कट जाएगा, 6 और 3 9 भी कट जाएगा, ठीक है, क्लियर भैया, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा, 8, 4, 12 और 2, 14 है ना, तो 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 9, एक 4 को फिर से जोड़ दो तो 5 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय 9। अब 5 में क्या लिख दे बगल में कि ये नंबर जो है 9 से कट जाए, तो आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू 4 रख दो, ठीक है, तो 4 रख देंगे। अब हमसे पूछा क्या है, अंडर रूट 5x + 8y की वैल्यू पूछी है, तो भैया 5 × x, x की वैल्यू कितनी है 4 है ना, कितनी है 4 है, तो 5 × 20, y की कितनी है 2 है, 8 × 2 = 16, तो 20 और प्लस 16 तो अंडर रूट 36 कितना होता है 6, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि 10 अंकीय संख्या ये 72 से विभाज्य है तो 5x - 4y का मान क्या होगा, क्या पूछो उसने, 5x - 4y का मान क्या होगा, और 72 से घट रही है, तो हम फिर से क्या करेंगे, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, क्या करेंगे, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, क्लियर है भैया। तो देखो सबसे पहले लगाओ 8 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, किसकी लगाओ, 8 की, तो 4 9 x / 8, 8 × 48 बचा 1, अब 1 के बगल में क्या लिख दें कि 8 से कट जाए, 8 × 2 = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 6 आ गई x की वैल्यू, ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ कितनी रख दो 6 रख दो, कितनी रख दो 6 रख दो, x की वैल्यू कितनी रख दो भैया 6 रख दो, ठीक है। अब लगाओ 9 की डिविजिबिलिटी, तो देखो 5 4 9 कट ही रहा है भैया, और ये 6 और 3 9 कट ही रहा है, 2 और 7 9 कट ही रहा है, 9 कट ही रहा है, अब क्या बचा, 4 और 1 5 + y, तो ये बचा 5 + y, ये किससे कट रहा है 9 से कट रहा है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 5 4 9, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू तो 4 होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, बस हो गया काम। अब हमसे पूछा क्या उसने, बताओ हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि 5x - 4y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 6 = 30 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 6 = 16, और 30 में से 16 घटा दो कितना आंसर 14 है, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्विच करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये संख्या 10 अंक की है, ये 72 से कट रहा है, कट रही है, उसने कहा बाई के संभावित सबसे बड़े मान के लिए, क्या बोला, बाई के संभावित सबसे बड़े मान के लिए, यानी बाई की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये संख्या 72 से कट रही, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, 7x² / 8, ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पुट करो आप, 8 एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि ये संख्या जो है किससे कट जाए, ये संख्या जो है 8 से कट जाए, क्लियर भैया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम यहां 0 रखेंगे 0, तो 88 64 6 = 62 नहीं कटता है, तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, हम एक्स की निकाल रहे वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 रखेंगे तो 88 64 5 88 64 6 और 1 7 7 और 2 72 कट जाएगा, तो 1 पॉसिबल है, 2 रखो 8 9 72 नहीं कटेगा, 3 रखो 8 9 72 12 नहीं कटेगा, 4 रखो 8 9 72 22 नहीं कटेगा, 5 रखो 8 9 72 8 6 32, तो 5 पॉसिबल है, 6 रखो 8 9 72 42 नहीं कटेगा, 7 रखो 8 9 72 5 52 नहीं कटेगा, 8 रखो 8 9 72 6 62 नहीं कटेगा, 9 रखो 8 9 72 और 8 9 72, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1 5 और 9, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं,
अब लगाते नौ की डिविजिबिलिटी, तो देखो नौ तो कट ही रहा है ना, नौ तो कट ही रहा है, और ए वाला नौ कट ही रहा है, सात और दो नौ कट ही रहा है, ठीक है। और आठ सात पंद्रह और तीन अठारह, ये कट ही रहा है। अब क्या बचा, पांच प्लस बाई प्लस एक्स, क्या बचा, पांच प्लस बाई प्लस एक्स बटे कितना, नाइन। अब ध्यान देना, अब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे वन, क्या रखेंगे, पहले रखेंगे वन। अगर एक्स की यहां वन रखी तो एक पांच छह, तो बाई की कितनी हो जाएगी फिर, तीन। एक्स की रखो फाइव, पांच पांच दस, फिर बाई की कितनी हो जाएगी, अठारह। एक्स की रखो यहां नौ, कितनी रखो इधर, कितनी रखो भैया, एक्स की नौ, नौ पांच चौदह, फिर बाई की कितनी रखनी पड़ेगी, चार। और उसने कहा बाई के संभावित सबसे बड़े मान के लिए, तो बाई का जो बड़ा मान है ना वो आठ है, यानी हमें ये वाली वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी, पांच और आठ। क्या भैया बात समझ में आ रही, कौन सी वैल्यू, पांच और आठ हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस बाई, बाई की बड़ी वैल्यू आठ है, तो आठ वैल्यू कब आई, जब एक्स की हमने पांच रखी, तो ती पांच पंद्रह प्लस आठ, तो पंद्रह प्लस आठ कितना होता है, 23, ठीक है जी, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन, हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इज इट क्लियर भैया, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए सात अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, अभी नंबर 11 से कट रहा है। देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एक एक स्थान जोड़ के छोड़ के, तो चार तीन सात, तीन दस और आठ, 18 हो रहा है इसका, है ना, ठीक है जी। फिर छः नौ पंद्रह प्लस एक्स कितना हो रहा है, 15 है प्लस एक्स, इसका डिफरेंस क्या, 0 है ना, तो 18 माइनस 15 है माइनस के एक्स बराबर 0, 18 में से 15 का 3 तो बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई एक्स की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर हम एक्स के स्थान पर 3 रख देंगे तो ये जो नंबर है 11 से कट जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 94 स्टार 2357 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए कि ताकि संख्या 11 से कट जाए। तो फिर से 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम स्थानों के अंक और विषम स्थानों के अंकों का जो जोड़ है और उसका जो अंतर है, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो लगा दो भैया डिविजिबिलिटी, एक छोड़ के एक, तो 9 प्लस स्टार 9 3 12 7 19, तो 19 प्लस स्टार को हमने मान लिया एक्स, 4 और 2 6 और 5 11 घटा देंगे बराबर क्या, 0, 19 में से 11 के कितने बचे, 8, तो एक्स प्लस 8 बराबर 0, तो ये कितना आ रहा, माइनस के 8, कितना आ रहा, माइनस के 8। अब देखो माइनस का तो उत्तर होता नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम 11 में से घटा देंगे, तो कितने बचे, 3। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट, अगर माइनस में आता है तो उसको 11 से घटा दिया जाता है, ठीक है जी। देखिए यदि 738 ए 6 से 11 से भाज्य है तो ए का मान क्या है, क्या पूछा, ये वाली जो नंबर है ना ये 11 से कट रही है, तो उसने पूछा ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, 11 से कट रही है तो 11 की डिविजिबिलिटी लगा दो, क्या, 11 की डिविजिबिलिटी लगा दो, ठीक है। तो 7 8 15 प्लस 6 21, ठीक है, तो 21 माइनस 3 प्लस ए प्लस ए, तो 3 प्लस ए बराबर क्या, 0, तो 21 माइनस 3 माइनस के कितने, 2 ए,
बराबर 0, 21 में से 3 के कितने बचे, 18, बराबर 2a। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 नाम 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या भैया बात क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दो संख्या दे रखी हैं, ये 11 और 72 से विभाज्य हैं, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 5x माइनस 2y की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक संख्या 11 से कट रही है तो 11 की डिविजिबिलिटी लगा दो, एक 72 से कट रही है तो 72 की डिविजिबिलिटी लगा दो। क्लियर है भैया? तो क्या करो, 72 की डिविजिबिलिटी लगा दो। ठीक है जी, समझे भैया बात? तो अपन दोनों की डिविजिबिलिटी लगा देंगे। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं अपन 11 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी? 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, इस नंबर में। ठीक है, तो x 3 5 6 2 और 4, एक एक छोड़ के जोड़ दो, तो एक्स जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे और दो, 2 5 7 प्लस 6, ठीक, कितना हो गया, 7 प्लस x। ठीक है, 3 6 9 और 4 13, डिफरेंस बराबर 0। तो एक्स प्लस 7 माइनस 13 बराबर क्या है, 0। 13 में से 7 गए माइनस के 6 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 6 आ गई। अब दूसरे नंबर में लगा 72 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी? 72 की। ठीक है, 1 2 5 7 बाई 4, अब 72 से कट रही है तो ये संख्या 9 और 8 दोनों से कटेगी, 9 और 8 दोनों से कटेगी। तो अब देखो अपन 9 की लगा लेते हैं भैया, किसकी लगा लेते हैं, 9 की। तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो 1 प्लस 2 बटे 9, तो 2 का मान कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 9 72 88 64, तो बाई की वैल्यू 8 है, एक्स की 6 है। ठीक है, बाई की 8 है, एक्स की 6 है। अब हमें निकालना है 5x माइनस 2y की वैल्यू, क्या निकालनी है, 5x माइनस 2y की वैल्यू। ठीक है, एक्स की कितनी है, 6, बाई की कितनी है, 8, तो 5 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 8, 5 31 8 2 16, कितना आंसर, 14 है आंसर। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या भैया बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है भैया, तो आशा करते हैं कि आपको ये डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। ठीक है, तो आज ही इस सेशन को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।